हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक कलेक्शन चैनल। कैसे सब आए बच्चे होंगे। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल का मेकअप करने वाली हूँ। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल, नंबर 5 नंबर के हैं। तो मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है इनका, जो मैंने पहले किया हुआ था। और वो वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं इसका उनका मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ, तो वो आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो मैं पहले इनका मेकअप मैंने रिमूव कर दिया है और मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। पहले इनसे माफ़ी मांग लेनी है कि कान्हा जी मुझे माफ़ करना मेरे लड्डू, और आप थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाइए और हम आपके आई मेकअप करेंगे या उनका मेकअप करेंगे। तो उनसे माफ़ी मांग लेनी है, तो उनको बोल देना थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे कि अपने जो अपने शरीर से तो हमने ये हाथ जोड़ लिए थे और उनका मेकअप तब करना स्टार्ट किया था क्योंकि हम उनको भी अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो इसलिए तो आई मेकअप मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आईलाइनर लगा लिया है और उस पर मैंने नीचे ब्लू लगाया है, फिर मैंने ब्लैक, फिर थोड़ा सा वाइट। और आप पूछेंगे ये वाला कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक्रेलिक कलर हैं, जो हम नॉर्मल फैब्रिक कलर एक्रेलिक कलर वो वाले हैं। नॉर्मल ये पोस्टर कलर नहीं है, ये एक्रेलिक कलर हैं, जो ये फैब्रिक वाला होता है वो वाले कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना आई मेकअप कर लिया है। अभी इसको अच्छी तरह फिनिशिंग दूंगी मैं बाद में, पर नॉर्मल कर लिया है। तो मैंने आईब्रो के पास मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली है। पहले मैंने येलो टोन किया था, अब उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा सूख गया था, अब उसको डार्क करूँगी। फिर आई मैंने मेकअप कर लिया है, अब मैं शेड लगा रही हूँ, तो ये देख सकते हैं। और ये भी मैं रेड कलर का कर रही हूँ। अब मैं टीका लगा रही हूँ, तो पहले मैं यू शाइज जैसे उनका टीका होता है वो वाला टीका लगा लूँगी। अब मैंने ब्लैक पेंट लिया है और इनके बालों को, जैसे गर्मियाँ होती हैं कई बार हम हेयर नहीं लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे हम अपने ही गर्मी लगने लगती है तो वैसे इनको भी गर्मी लगती है, तो इसलिए हमने ब्लैक पेंट कर दिया है बालों पर। तो अपनी तरफ, क्योंकि हम जो ये मेकअप है, कई आप आजकल मेकअप किए हुए भी मिलते हैं, बट मैं अपना खुद का मेकअप कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास जो है वो मेरे पास मेकअप किए हुए नहीं थे। मार्केट से मेकअप किए हुए आजकल बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बट ये मार्केट मेकअप किया हुआ नहीं था इनका। तो इनका मेकअप मैं खुद करने वाली हूँ। जो ये मेकअप कर रही हूँ ये काफ़ी दिन स्टे कर जाता है, तो इसको मैं बताऊंगी आगे कि कैसे कैसे इसकी फिनिशिंग करनी है। जैसे ये मैट हो गया है तो इसको शाइन कैसे लाना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इसके गले पे जैसे नेकलेस बना हुआ है, सेम उसी पे ही मैं रेड डॉट डाल के रेड एंड वाइट का मैं इनका माला बना दूंगी। तो डॉट डॉट पे मैं पहले रेड लगा दूंगी और उनके बीच में मैं वाइट लगा रही हूँ, तो इनका ये जो गले का नेकलेस है वो बन जाएगा अच्छा सा। ये तो ये देखिए इनका माला बना दिया है मैंने। अब मैं इनका लड्डू पेंट कर रही हूँ येलो कलर से, तो इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। तब जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक इनकी हम पैंटी बना लेते हैं। इनको मैं पैंटी पहनाऊँगी रेड येलो कलर की, तो उसको भी अच्छी तरह पेंट कर लेना है। और पेंट करके इनको 2-3 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो ड्राई हो जाता है, फिर डबल कोट करना है आपने इसको। तो अच्छी तरह मैं पहले पेंट कर लेती हूँ इनकी पेंटी को। आप लोगों को कमेंट आए थे कि आप जन्माष्टमी पे बताओ कान्हा जी को कैसे करना है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अपने लड्डू गोपाल का मेकअप करने वाली थी, जन्माष्टमी आने वाली है, तो इसलिए तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो मैं इनको अब रेड कलर की पट्टी बना रही हूँ। आप कोई सी भी कलर की यहाँ पर पट्टी बना सकते हैं, डॉट डॉट वाइट कलर का भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ रेड कलर की ओनली पट्टी बनाऊंगी। तो अच्छी तरह पेंट कर लेना है। तो गाइस, वीडियो अच्छी थोड़ी सी भी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बताओ, मैं उस तरीके की वीडियो बनाऊंगी। तो पहले अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लेते हैं जन्माष्टमी के लिए।
अब मैं यहाँ डॉट डॉट लगा रही हूँ वाइट कलर के, तो इसको अच्छी और अच्छी पैंटी जो है इनकी बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो अच्छा थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं हम। तो मैंने इनकी पैंटी जो है पेंट कर दी है, और जो येलो पेंट किया था वो ड्राई हो गया है। अब मैं डबल कोट कर रही हूँ इस पर, तो और अच्छा इफ़ेक्ट और अच्छा कलर लगने लगेगा। तो मैंने कर दिया है। अब मैं इनको बना रही हूँ नज़रबंद, जैसे ये हम नज़रिया पहना रही हूँ, तो वाइट और ब्लैक के डॉट डॉट बनाकर नज़रिया से बहुत प्यारे लगते हैं और पहनाना भी चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं वैसे हम कान्हा जी को बनाते हैं। पर मैंने चांदी के कड़े भी पहना रखे हैं और मैंने नज़रिया भी पहना दिए हैं। अब मैं नेल पेंट लगा रही हूँ इनको रेड कलर की, और वैसे पैर में लगा दूँगी और हाथों में लगा दिए हैं। और जो दूसरे हाथ में लड्डू पहने पकड़ा हुआ है उसमें भी मैं येलो कलर का पेंट कर दूंगी, और उसमें रेड रेड कलर के डॉट डाल दूंगी। तो मैंने कर दिया है। अब मैंने ली है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, तो उसको अच्छी तरह में लगा दूंगी, तो ये मेरा परमानेंट मेकअप हो जाएगा। आप यहाँ टच वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे टच वुड मिला नहीं, तो मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। इससे एक शाइन सी आ जाती है और अच्छा लगने लगता है और लॉन्ग टाइम रुक जाता है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो देखना फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले मैं अभी आई मेकअप करना है इनका, आई मेकअप मैं कर लूँगी इनका बाद में, जो पहले मैं इनको फिनिशिंग कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी शाइन सी आने लगी है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाकर। तो मैं वहीं वहीं लगाऊंगी जहाँ पे मैंने पेंट किया। फुल बॉडी पे मैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट नहीं लगाने वाली हूँ, जहाँ मैंने पेंट किया वहीं वहीं पे लगाऊंगी, क्योंकि जो कलर है वही को उसी को मैंने शाइन करना है, तो इसलिए। तो इस तरह आप घर पे पेंट कर सकते हैं, बाहर करवाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल घर पे आप कर सकते हैं एक्रेलिक पेंट से। तो मैंने कर लिया है, अब देख सकते हैं मैंने ये कर लिया है इनका, और आई मेकअप भी कर लिया है मैंने डन। तो आई मेकअप कैसा लग रहा है मुझे बताना। ये रहा मेरा फाइनल लुक अपने मेरे लड्डू गोपाल का। तो मेरे लड्डू गोपाल बताना आप कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।